सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूले। तो अगर आप WhatsApp यूज करते हो तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप लाया हूं। अगर आप WhatsApp यूज करते हो तो अगर आप इस ऐप को यूज करते हो तो आपके लिए WhatsApp को चलाना बहुत ही इजी हो जाएगा एक ट्रिक के कारण। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच करना, ताकि आप सही से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी अनजान के पास मैसेज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो उनका नाम सेव नहीं करना तो आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक टू चैट, जिसे आप यहाँ पे सर्च करोगे ऐप आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मुझे ओपन दिखा रहा। तो जिससे आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने ओपन का ऑप्शन दिखा देगा। तो जिसे आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने डायलर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो। डायलर के जैसा यहाँ पे खोल के आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए किसी इंसान के पास या फिर जो भी आप मैसेज करना चाहते हो किसी थर्ड पर्सन को, अगर आप चाहते हो उनका नंबर सेव नहीं करना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी नंबर आप टाइप करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो भी नंबर आप टाइप करोगे तो यहाँ से जाके आप सीधा मैसेज कर सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जिससे आप नंबर को डालोगे, डालने के बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एकदम WhatsApp के जैसा लिखा आ रहा होगा, लोगो आ रहा होगा। तो जिससे आप WhatsApp के लोगो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एड चल रहा है, तो चलिए कट कर देते। तो यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस कुछ ऐसा गया, यहाँ पे आप देख सो WhatsApp, अगर आपके पास WhatsApp बिजनेस वाला ऐप है तो यहाँ पे WhatsApp बिजनेस ओपन हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास WhatsApp ऐप है तो यहाँ से WhatsApp ऐप को ओपन करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे आप WhatsApp बिजनेस या फिर WhatsApp पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको सीधा मैसेज बॉक्स पे लेके जाएगा, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चाहते हो इनको मैसेज करना तो आप सीधा जाके इनको मैसेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको मैसेज नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइवेसी के कारण मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा सकता। तो जैसे आप मैसेज करोगे तो उनके पास मैसेज चला जाएगा बिना आपको नंबर सेव किए हुए। तो आपको ये फीचर्स या फिर आपको ये ऐप आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके एक बार बोल देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय शुभ हो।